हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लाप्लास इनवर्स पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एफ एस इक्वल्स टू लॉग एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन। हमें फाइंड क्या करना है, एफ टी की वैल्यू। एफ टी क्या होगा? अब देखो, लॉग के लिए तो हमने कोई वो नहीं बताया कि इसका इनवर्स होता, तो हमें क्या अल्टरनेट होकर जाना पड़ेगा, यानी प्रॉपर्टी यूज करके जाना पड़ेगा इसका सोल्व करने के लिए। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर हम एफ टी में या एक्स टी में टी के मल्टीप्लाई करें देन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस, यानी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन एस डोमेन में फंक्शन दे रखा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स और माइनस साइन लगा देंगे अगर टी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें पता है एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या होता है, एफ ऑफ एस। तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, क्या गिवन है हमें, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस की वैल्यू कितनी गिवन है, लॉग एस प्लस वन एस माइनस वन। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, लॉग एस प्लस वन माइनस लॉग एस माइनस वन। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग एम अपॉन एन इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, तो उससे ये लिख दिया। अब मैंने कहा अगर मैं टी का मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, तो मैं अगर इसमें टी का मल्टीप्लाई करूंगा एफ में, दूसरी साइड क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ डिफरेंशिएशन हो जाता है, लॉग एस प्लस वन माइनस लॉग एस माइनस वन। तो टी एफ टी इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा, माइनस इसका कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का कितना होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एस प्लस वन, इसके साथ माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा एस माइनस वन। बस इसका लाप्लास इनवर्स निकाल दो। टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा, तो वन अपॉन एस प्लस वन कितना होता है, मैं इसको राइट साइड मान के चल रहा हूँ, ई की पावर माइनस टी यू टी, और वन अपॉन एस माइनस वन ई की पावर टी यू टी। ठीक है, तो ये आ गया इतना। एफ टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है टी का दर डिवाइड कर दो यहाँ से, टी जो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं इसको अरेंज करके लिख ले रहा हूँ, e की पावर टी माइनस e की पावर माइनस टी यू टी मैंने बाहर लिख लिया, और क्या कर दूंगा इस वाले टी से डिवाइड। तो हमारे पास एफ टी की वैल्यू आ चुकी है e की पावर टी माइनस e की पावर माइनस टू e की पावर माइनस टी अपॉन टी यू टी। अगर इसको और ज़्यादा लिखना चाह रहे हो साइन हाइपरबोलिक में लिख सकते हो, टू की मल्टीप्लाई करो टू का डिवाइड करो ऐसे करके देखो, अगर हाइपरबोलिक में कहीं कहीं पर हाइपरबोलिक में दे रखा होता आंसर, तो उसके लिए ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, टू टी। तो इतना e की पावर t माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टू, ये क्या होता है साइन हाइपरबोलिक में, यानी टू साइन हाइपरबोलिक t अपॉन कितना t यू टी, कहीं कहीं इतना भी दिया रखा था, नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उतना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एस दे रखा कोट इनवर्स एस प्लस थ्री अपॉन एस, तो वही इस सेम काम करना, कोट इनवर्स का नहीं पता, तो हम क्या करेंगे ऐसे ही एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ एस, है ना, तो एफ ऑफ एस की वैल्यू लगा देंगे कितनी है, कोट इनवर्स एस प्लस थ्री अपॉन टू, ये आ गई इतना। मैंने कहा टी से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम एफ टी में, देन क्या होता है इधर दूसरी साइड डिफरेंशिएशन हो जाता है एस डोमेन में, तो यहाँ पे कितना देखा, कोट इनवर्स एस प्लस थ्री अपॉन टू। तो टी एफ टी की जो वैल्यू आ गई, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कोट इनवर्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह हमें कितना दे रखा, एस प्लस थ्री अपॉन टू, तो
इसका कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एस प्लस थ्री अपॉन टू का स्क्वायर इंटू, अभी जो ये भी है इसका भी तो करेंगे, ये यहाँ पे देखो यहाँ केवल एक्स है, यहाँ पे कितना एस प्लस थ्री अपॉन टू, तो इसका एस का आ गया वन, थ्री का जीरो हो जाएगा नीचे बता टू, ठीक है। तो टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन बाई टू को मैं दल ले ले रहा हूँ, तो एलसीएम लो कितना आ जाएगा ये, वन अपॉन वन प्लस एस प्लस थ्री का स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा, टू का स्क्वायर नीचे, तो ये कितना हो गया, मैं फोर को ऊपर ले आ रहा हूँ सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा फोर अपॉन एस प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, इतना आ गया। टू से ये टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया टू अपॉन एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और इसे फोर को लिख ले रहा हूँ मैं टू का स्क्वायर। तो मैंने बताया था लाप्लास इनवर्स ऑफ कितना, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है हमारा कितना, साइन ए टी। तो यहाँ पे क्या एस जो शिफ्टेड है, तो शिफ्टेड है पहले इस शिफ्टेड वाले को का निकालेंगे, टी एफ टी का कितना हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये थ्री से शिफ्टेड है तो ई की पावर माइनस थ्री टी, लाप्लास इनवर्स ऑफ टू अपॉन एस स्क्वायर और टू का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया ई की पावर माइनस थ्री टी, इससे कंपेयर करके लिखो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू कितनी है टू, तो ये कितना आ जाएगा साइन टू टी। तो एफ टी की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से, एफ टी की वैल्यू आ चुकी है ई की पावर माइनस थ्री टी, यू टी भी आएगा, ठीक है, साइन टू टी यू टी अपॉन क्या ये वाला टी, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा कर देंगे, ठीक है, मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे इसलिए इनको भी वीडियो में इंक्लूड किया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।